हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सैलरीड लोगों के लिए कि जिसकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है। ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि मेरे को सैलरीड एम्प्लॉय है तो लोन कौन सी बैंक देगा या कौन सी एप्लीकेशन में मिल सकता है। तो शायद आपको परेशानी होगी, वो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन चाहिए आपको कि ट्रस्ट वाली एप्लीकेशन कौन सी मिलेगी, क्योंकि तो मार्केट प्लेस पर सही एप्लीकेशन भी है, फ्रॉड वाली भी है, और प्ले स्टोर पर जाके या मतलब एडवर्टाइजमेंट में जो आती है उसमें फ्रॉड भी फंस जाते हो। तो आपको सही आरबीआई एप्लीकेशन मतलब कि सही एनबीएफसी अप्रूव्ड एप्लीकेशन चाहिए तो मैं वेबसाइट दूंगा जहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो कोई भी चार्ज दिए बिना। आपको लोन का एक भी रुपया पे नहीं करना है, ना कंसल्टेंट हो ना बैंकर, जो भी फी है जो भी चार्जेस है वो कट के आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, वो लोन प्रोसेस हो जाएगा। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है। तो बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में कि कैसे आपको अप्लाई करना है और वेबसाइट कौन सी है। जब मैं मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ वो प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ओपन करेंगे। दो वेबसाइट है, पहली वेबसाइट बात कर रहा हूँ, वेबसाइट पे है, वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड लोन ऑफर, मतलब ये जो कंपनी है वो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो हुआ है। 10 से ज़्यादा कंपनी दिखा हुआ है यहाँ पे। बेनिफिट्स क्या है वो बात करते हैं। चेक कर सकते हो प्री अप्रूव लोन, ईजी एप्लीकेशन है, डिजिटल प्रोसेस है, पर्सनल गाइड भी मिलेगा आपको, 100% डिजिटल प्रोसेस है, नो कंसल्टिंग फी और नो एक्स्ट्रा चार्जेस। यहाँ पे लिखा है देखो, नो एक्स्ट्रा चार्जेस नो कंसल्टिंग फी, तो आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन पहली ना भी है, यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग फी क्या है, कितने तक का लोन देता है सब, और अप्लाई करना है ना, यहाँ पे क्लिक किया लिखा है ना, वहाँ से जाके आपको अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई करेंगे मतलब कि जो एप्लीकेशन होगा ना तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, जहाँ पे वेब पोर्टल होगा वहाँ पे वेब पोर्टल ओपन होगा और वहाँ से आपको डिटेल्स जर्नी कंप्लीट करना होगा, जैसे प्री हो, कितने तक का लोन देता है, कितना है क्रेडिट, सब लिखा है। सब कंपनी के नीचे यहाँ पे बटन लिया हुआ है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म ओपन होगा, ये जो है ना अप्लाई करेंगे वो भी लीगल है, मतलब ट्रस्टेड है, उसका भी डेटा सेफ रहता है और उसमें कोई पेमेंट मांगता है एडवांस वो भी नहीं है, पहले से बता दिया कि फ्री है, मनी व्यू है, इसके बाद होम क्रेडिट है, बहुत सारी कंपनियां जाए देखो तो 12 से 13 कंपनियां जाए, वहां से आप सब जगह पे नीचे बटन दिया हुआ है वहां से अप्लाई कर सकते हो। उसका क्राइटेरिया भी है वो भी एक बार देख लेना है, कितने तक का लोन देता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोन की जरूरत है 10 लाख का, और जो कंपनी 1 लाख 2 लाख के लोन देता है और उसमें अप्लाई करते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरे को ज़्यादा जरूरत है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सब कंपनी की एलिजिबिलिटी और मैक्सिमम लिमिट होती है, कोई कंपनी 1 लाख तक का ही लिमिट देते हैं, कोई कंपनी 3 लाख तक का ही देते हैं, कोई कंपनी की लिमिट 5 लाख है, कोई कंपनी की 25 लाख है, 10 लाख है, सब में अलग अलग होता है। तो आप जो भी जरूरत है उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हो क्राइटेरिया के हिसाब से। अगर आपको वो मालूम नहीं है कि मेरे को कौन सी कंपनी देगा, कौन सी लोन मिलेगा, वो सब आपको चाहिए, तो आपको एक तरीका बताता हूँ जहाँ से आप ऑफर चेक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तरीका बताऊँ, वेबसाइट पर जाएगा ना तो यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में आपको मिल जाएगा, सॉरी लास्ट में बताता हूँ मैं आपको, यह पेज पे जब होम पेज होम बटन पे जाएंगे ना, होम पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक मिनट होम पे जाया हूँ मैं, यहाँ पे पूरा है क्रेडिट कार्ड है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा बदलाने में दिक्कत आ रही है मेरे को, मैच कर देता हूँ। पर्सनल लोन यहाँ पे नीचे जाएगा ना तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते। यहाँ पे लिखा ब्लॉग ऐप लिस्ट 2023, वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपका पूरा पेज ओपन होगा जहाँ पे पूरी बैंक की पूरी एनबीएफसी कंपनी का लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कोई भी चार्ज के बिना ही है। यहाँ पे लेना बताता हूँ दूसरा तरीका, ऑफर चाहिए यहाँ पे देखो, लोन ऑफर एवं ऑनलाइन लोन, मतलब आपको ऑफर चेक करना है कि कौन सी कंपनी देगा वो। यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्लेटफॉर्म है। 9 प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे आप ऑफर चेक कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल बैंक के साथ टाइप हुआ होता है, तो वहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन, पिन कोड है, सैलरी कितनी है, सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और कितनी सैलरी है उसी हिसाब से आपको फिल्टर, क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको फिल्टर करके कंपनी शो होगा और वहाँ से आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें बेस्ट में बात करो, ये पहली तीन जो कंपनी है ना, ये चार कंपनी बेस्ट है, पहले एक कंपनी में ट्राई करो, उसके बाद एक कंपनी में, और ऑफर चेक करने में कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लोन ऑफर चेक करने में कोई भी आपकी सिबिल इंक्वायरी नहीं होगी,
जब आप अप्लाई करेंगे कोई कंपनी में, जब ऑफर दिख रही है, मान लीजिए कि आपको 4 या 5 कंपनी में ऑफर दिख रही है, तो अगर आपको जहाँ पे कंपनी में चूज अच्छा लगता है, चॉइस करके आप अप्लाई करते हो, तो उसके बाद ही इंक्वायरी में काउंट होगा, तब तक इंक्वायरी में काउंट नहीं होगा। ये भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन बेस्ट है। उसमें पहले बात करूँ तो ये एप्लीकेशन है वी बैंकिंग बेस्ट है, उसके बाद इंडिया लैंड है, उसके बाद क्रेडिट लिंक और बड़ी लिंक। ये 4 एप्लीकेशन बेस्ट है। मुझे जो बेस्ट लगा है वो पहली 2 कंपनी में पहले प्रीफर करता हूँ। तो ये जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और अपनी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नए टॉपिक के बारे में, नए कंपनी के बारे में, तो हम कमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।